कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है तो जब इन लोगों ने बनाई तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। अब जब आप कहते हैं कि मुझे एज तमिल इज एक्चुअली ओल्डर देन हिंदी, लेकिन उससे भी ओल्डर है संस्कृत, अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत, क्योंकि कन्नड़ा से तमिल से लेके गुजराती से लेके हिंदी सब उसी के से आई हुई है। तो संस्कृत को ना लेके हिंदी को क्यों बनाया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, राइट? वो उस टाइम के लिए हुए डिसीजंस हैं। लेकिन जब खालिस्तान की मांग होती है, जो वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानते हैं, तो जब युवाओं को भटकाया जाता है, इट्स नॉट अबाउट दैट, दे आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू अंडरस्टैंड दैट? तो जब आप कहते हैं कि मुझे तमिल, वो तमिल का भी मूवमेंट हुआ था, दे वॉन्टेड अ सेपरेट नेशन, जब आप कहते हैं बंगाल रिपब्लिक की मांग करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट कंसीडर हिंदी एज अ लैंग्वेज, देन यू आर नॉट डिनाइंग हिंदी, व्हाट यू आर डिनाइंग इज दिल्ली बीइंग द सेंट्रल सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड? सो इस चीज के बहुत ज्यादा लेयर्स हैं। तो जब आप इस चीज पे बात करते हैं तो आपको इन सब लेयर्स का अंदाजा होना चाहिए। तो जब आप हिंदी को डिनाई करते हैं तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? आप दिल्ली को नहीं मानते क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है वो हिंदी में ही करती है ना। अगर आप चाहे देश भी घूमते हैं, चाहे बाहर भी जाते हैं, जर्मन हो गई या स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर लैंग्वेज। लेकिन नो मैटर हाउ डार्क द कॉलोनियल हिस्ट्री इज, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश हैज बिकम दैट लिंक। टुडे इवन विद इन द कंट्री वी आर यूजिंग इंग्लिश एज द लिंक टू कम्युनिकेट। शुड दैट बी द लिंक और शुड हिंदी और संस्कृत बी दैट लिंक और तमिल? वी हैव टू डिसाइड दैट, वी हैव टू टेक दैट कॉल। So keeping all these in mind, a decisive call should be taken. As of now, Hindi संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो जो अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो उन्होंने वो गलत नहीं कहा। अगर आप मेरी पूरी बात का निचोड़ सिर्फ यही सुनेंगे तो वो आपकी कमी है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कन्नड़ा इज ओल्डर देन हिंदी एंड सो इज तमिल, तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। अगर मैं, मेरे हाथ में होगा तो आई थिंक संस्कृत इज द लेजिटिमेट लैंग्वेज, जिसके से जर्मन भी आई हुई है, इंग्लिश फ्रेंच सब संस्कृत से स्टेम आउट हुए हैं। व्हाई डोंट वी हैव संस्कृत एज द नेशनल लैंग्वेज? व्हाई इट इज नॉट मैंडेटरी इन स्कूल्स? आई डोंट नो दैट। ओके,